यानी जीवन को खेल की तरह जीना हमेशा ही गैर जिम्मेदार माना जाता रहा है हाँ? बचपन से ही ऐसा होता आया है और शायद आप अपने बच्चों के साथ भी यही कर रहे हैं अगर वे हंस खेल रहे हैं तो आप उन्हें गैर जिम्मेदार समझते हैं जीवन का सबसे जिम्मेदारी भरा तरीका है जीवन को खेल की तरह जीना मुंह लटकाकर इस धरती पर घूमना बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना काम है हाँ या ना? क्या दुखी होकर घूमना बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना नहीं है टू वॉक अराउंड हाँ यही सबसे गैर जिम्मेदाराना काम है तो खेल की भावना होना गैर जिम्मेदाराना होना नहीं है प्लेफुल होना जीवन के प्रति बहुत जिम्मेदार और जवाबदेह होना है खेल की भावना होगी तभी आप ऐसा कर पाएंगे आप गंभीर होंगे तो दुनिया आपके लिए होगी ही नहीं बस आप और आपकी बकवास होगी गंभीर होने पर बात सिर्फ आपकी और आपकी बकवास की होती है दुनिया और दूसरे प्राणी आपके लिए मौजूद नहीं होते जब आप जीवन को खेल की तरह जीते हैं तभी आप हर चीज पर ध्यान दे पाते हैं और तभी आप हर चीज का सही मायने में जवाब दे पाते हैं सिर्फ तब जब आप प्लेफुल होते हैं वरना आप ये नहीं कर पाएंगे आप इसके बोझ तले ही मर जाएंगे तो खेल भावना कोई फिलॉसफी नहीं है जिसे विकसित किया जा सके मुझे खेल की तरह जीना है मुझे खेल की तरह जीना है विज्ञान बता रहा है कि सारी सृष्टि ऊर्जा का एक नृत्य है ऐसा लगता है कि सृष्टि को बनाने वाली शक्तियां हमेशा खेल भाव में रहती हैं इस संस्कृति में हमेशा सृष्टि को ईश्वर का खेल बताया गया है भगवान का खेल यानी कई लोगों ने सोचा ओ वो मूर्ख मेरे जीवन के साथ खेल रहा है तभी इतना दुख है सृष्टि की शक्तियां हमेशा खेलती रहती हैं अगर वे खेलना बंद कर दें तो आप खत्म इसमें सभी बुनियादी ताकतें शरीर के भीतर भी जब वे पूरे जोश से खेलेंगी तभी कुछ अच्छा होगा एवरीथिंग इज नाइस अगर वे खेलना बंद कर दें या खेलने से इनकार कर दें तो आप खत्म खेल खत्म तो जीवन को खेल की तरह जीना सिर्फ एक रवैया नहीं है यह रवैया सृष्टि का है अगर आप सृष्टि और सृष्टा के साथ तालमेल में होंगे तो खेल भाव में होना बहुत स्वाभाविक होगा जब आप इसके तालमेल में नहीं होते कहीं आप पूरी तरह से अपने मन की प्रक्रिया अपने विचार अपनी राय अपने विचारधाराएं अपने सही और गलत अपनी नैतिकता के गुलाम बन जाते हैं तभी आप अपनी खेल भावना खो देते हैं अगर आप जीवन के साथ होंगे जब आप सृष्टि और सृष्टा के तालमेल में होंगे तो आप स्वाभाविक रूप से खेलभाव में रहेंगे आप पूरी सृष्टि को अनदेखा करके अपनी छोटी सी सृष्टि से जुड़ चुके हैं जो यहां चल रही है तभी हंसी खेल गायब हो गया है अगर आप सृष्टि के साथ तालमेल में होंगे तो जीने का कोई दूसरा तरीका नहीं होगा आप जीवन को खेल की तरह जिएंगे जो जीवन को खेल की तरह जीता है सिर्फ वही व्यक्ति दुनिया में मुश्किलों के साथ मुठभेड़ कर सकता है बगैर उनसे प्रभावित हुए अपना बेहतरीन योगदान दे सकता है अगर वो खेल भाव नहीं जानता तो वो मुश्किलें उसे खा जाएंगी दुनिया में जो मुश्किलें हैं वो सरल नहीं हैं। अगर आप जरूरी खेलभाव के बिना उनसे जूझना चाहेंगे तो ये कभी मत सोचिएगा कि आप उन्हें हल कर पाएंगे वो समस्याएं आपको खा जाएंगी सिर्फ यही होगा वे कई लोगों को खा चुकी हैं ऐसा है कि नहीं अच्छे इरादे वाले कई लोगों को खा चुकी हैं कितनों को निगल चुकी हैं क्या ऐसा नहीं हुआ दुनिया की ये मुश्किलें बहुत अच्छे इरादों वाले कई लोगों को मौजूदा हालातों ने निगल लिया है आप उन्हें तभी संभाल पाएंगे जब आप वाकई प्लेफुल होंगे वरना हर चीज परेशानी होगी अगर आप बस कुछ घंटे अपना काम खेल भावना से करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका शरीर भी काफी बेहतर काम करेगा आपकी नींद का कोटा कम हो जाएगा और जीवन को खेल की तरह जीता हुआ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ध्यान कर पाता है क्योंकि जब आप खेल भाव में होते हैं तब आप अपने काम में उलझते नहीं हैं जब आप उलझते नहीं हैं तब कर्म बंधन नहीं बनते कर्म योग होता है तब जीने की प्रक्रिया उलझाने के बजाय आपको मुक्त कर दी जाती है यानी आप कर्म करने के बजाय अपने काम की मदद से योग कर रहे होते हैं जब आप दिन भर योग कर रहे होते हैं तब सब कुछ जरूर बेहतर होता जाएगा है ना शुरुआत में जिसे अभ्यास नहीं हुआ है उसके लिए काम जरूरी है और अगर आप खेल भाव से काम नहीं करेंगे तो काम हमेशा परेशान कर देगा ऑलवेज चाहे काम कोई भी हो किसी भी स्थिति से गुजरने के कई तरीके हैं महाभारत में बहुत अच्छे से बताया गया है अलग अलग इंसान एक ही परिस्थिति से कैसे गुजरते हैं कृष्ण जिस चीज से गुजर रहे हैं उनके आसपास के लोग भी छोटे पैमाने पर लगभग उन्हीं चीजों से गुजर रहे हैं बाकी लोग कैसे गुजरते हैं और वे कैसे गुजरते हैं अलग अलग लोग कैसे गुजरते हैं स्थितियां वही हैं। महाभारत ये चीज बहुत अच्छे से समझाता है कि कैसे चेतना के विभिन्न स्तरों पर लोग एक ही परिस्थिति से किस तरह से गुजरते हैं जब कोई समस्या होती है मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं या ऑफिस में है कुछ समस्या पैदा हुई यदि 10 लोग हैं तो ये दस लोग इस छोटी सी समस्या का अनुभव कैसे करते हैं हुँ? एक व्यक्ति अपने बाल खींचेगा और भड़क उठेगा कोई किसी और पर झपटेगा कोई अपना सिर पीटेगा कोई व्यक्ति यह देखेगा कि वो क्या कर सकता है क्या आपने ये देखा है स्थिति एक ही है तो बुनियादी तौर पर यही महाभारत है उसमें सभी प्रकार के लोग हैं अच्छे लोग बुरे लोग बहुत बुरे बिल्कुल धार्मिक हर हर तरह तरह के के लोग। अगर आप ध्यान दें, तो इंसान जो आप किसी भी समाज में पा सकते हैं वे सभी महाभारत में हैं, हर तरह के लोग लालची बिल्कुल निस्वार्थ डरपोक बहादुर योद्धा कायर हर तरह के लोग एवरी और वे एक गहरे नाटक से गुजर रहे हैं और हर एक का अनुभव बहुत अलग है और उनका चीजें संभालने का तरीका और अंत में जो उनके साथ होता है वो बहुत अलग है पूरे महाभारत में कृष्ण सबसे ज्यादा नाटक से गुजर रहे हैं पर वे उससे अछूते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था योगस्थ कुरु कर्माणि यानी योग में स्थापित होकर कर्म करो अगर आप योग में खुद को स्थापित किए बिना काम करेंगे तो आपके काम आपको उलझा देंगे काम चाहे जो भी हो लोग अपने जीवन में सरल चीजें कर रहे हैं आखिरकार ज्यादातर लोग दुनिया में पचानवे प्रतिशत लोग जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ जीवन चलाने के लिए पैसा कमाना बच्चे पैदा करना बच्चों की परवरिश बस बस ये छोटा सा नाटक जो उन्होंने चुना है पिकडअप फॉरसेल्स यही वे चाहते थे एक छोटा सा व्यवसाय या नौकरी एक घर पत्नी बच्चे पति बस यही इसके लिए उन्होंने अपना क्या हाल बना लिया है कई तो पागलखाने पहुंच जाते हैं बस ये सरल काम करते हुए ऐसा है कि नहीं हाँ? वे दुनिया की समस्याएं नहीं सुलझा रहे हैं। वे दुनिया में धर्म स्थापित करने वाले धर्मगुप्त नहीं बनना चाहते उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ली है बस अपनी जीविका कमाना जीवन चलाना बच्चे पैदा करना और मर जाना जो धरती का हर प्राणी करता है बस वही करते हुए उनकी क्या हालत हो गई है कितने लोग पागल हो गए हैं कितने आधे पागल हो गए हैं हाँ? कई लोग हैं है ना सरल जीवन प्रक्रिया बहुत बड़ी परेशानी बन गई है सिंपल लाइफ प्रोसेस ऐसा होना जरूरी नहीं है पर दुर्भाग्य से कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है सिर्फ इसलिए कि उनके जीवन में कोई खेल भावना नहीं है उनके जीवन के तरीके में प्लेफुलनेस नहीं है वो इतने गंभीर हो गए हैं अब ये दो बातें उल्टी लगती हैं एक स्तर पर तीव्र जोश और भक्ति की बातें दूसरे स्तर पर हंसना खेलना यही तो बात है जुनून तभी कहलाता है जब आप जल उठें। आधे अधूरे मन से आप उसे जान नहीं पाएंगे आप बस परेशान होंगे आप उसका फायदा नहीं जान पाएंगे लाभ नहीं उठा पाएंगे जब आप वाकई जलेंगे सिर्फ तभी आप जान पाएंगे अगर आप भक्ति मार्ग पर चलना चाहें और खुद को बचाना भी चाहें तो यह काम नहीं करता भक्ति का मार्ग जुनून का मार्ग चुनने के पीछे विचार बस यही है कि आप अपने भीतर मौजूद हर चीज को जला देना चाहते हैं ताकि सिर्फ वही आपके भीतर मौजूद रहे जिसके लिए आपका जुनून है जिसके आप भक्त हैं जिसे आप मैं कहते हैं वो इस सरल प्रक्रिया में जल जाता है यह एक विचारशील मन को यह खुद पर अत्याचार लगता है पर जब तक आप अपनी सीमाओं को जला देने के लिए तैयार नहीं होते आपके भीतर नई संभावनाएं नहीं जगती नई संभावनाएं आपको वाकई तभी छुएंगी जब आप जल उठेंगे